अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स। तो जनाब बहुत दिनों बाद आपको वेलकम बैक कह रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो ये जी हमने एक पेयर लिया है तित्रों के बच्चों का, इनको खुराक खिला रहे हैं इनकी। हाँ जी, और ये देखें जी किस तरह भाग भाग के अपनी खुराक खा रहे हैं। तो ना हम सोच रहे हैं कि ना अपने अगले जो आइंदा व्लॉग हम बनाएं पंजाबी में बनाएं। तो इंशाल्लाह आप रेगुलर चैनल के साथ वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी हमारा ना शिकरों का सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, इस वजह से ना हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। हट जा। तो जब शिकरे आ जाएंगे आपके साथ डेली वीडियो अपलोड करेंगे। ये देखें जी, एक ये है और दूसरा ये खड़ा है। ये हमने किसी भाई से ख़रीदे हैं और हमारे घर के बच्चे नहीं हैं, जो अगर आप समझें भाई इन्होंने घर में निकलवाए हैं, इसी वजह से ना ये थोड़े से डर रहे हैं। इनको टाइम वगैरह नहीं दिया ना, ये पड़े रहते हैं ऐसे ही घर में। यहाँ से जी इनकी खुराक तलाश कर रहे हैं गोबर में से। गोया होता है हमारी लाली ये को अब डाल दिया है। एक एक करके इसको खिला रहे हैं, निकाल के दे रहे हैं जनाब। ये यार ना डरते बहुत हैं, बाहर इनको निकालें तो ये भाग जाएंगे, जंगली है ना इस वजह से। ये देखें ये मिल गया, फिर नीचे गिरा दिया अपने। ये भी हैं वैसे भूखे, लेकिन ये डर रहे हैं। दो तीन लड़के यहाँ पे बैठे हैं ना, इस वजह से ये शैतानियाँ कर रहे हैं इनके साथ, तो ये डर रहे हैं अभी। इनको बाहर निकालना था लेकिन अब नहीं निकाल रहे, क्योंकि इन्होंने शैतानी कोई ना कोई करनी है और इन्होंने भाग जाना बच्चों ने। ये देखें जी कितने प्यारे बच्चे हैं। ये देखें जी अब इनको बाहर निकाल लिया, यहाँ पे इनको खिलाएंगे। ये ना जब ये हिलते हैं यहाँ पे तो इस वजह से ना डर जाते हैं ये बच्चे। जब यहाँ पे इनके साथ शैतानियाँ करते हैं ना, ये भागने की कोशिश करते हैं। फिर अब इनको टाइम वगैरह नहीं ना दे रहे हैं, इनको रख रहे हैं ऐसे ही खिला खिलाओ के। ये देखें अब ये खुद ही खा रहा है। ये भाग गए थे जनाब, इनको बहुत ही मुश्किल से पकड़ा है और अभी ये डरे बैठे हैं, बिल्कुल ही डरे बैठे हैं। ये देखें अभी इनको खिला रहे हैं इनकी खुराक, यहाँ से तलाश करेंगे और फिर इनको खिलानी है। ये अब थोड़ी सी गोबर उठा के ना केज के अंदर ही डाली है कि यहीं पे खा लें, क्योंकि तो बाहर जब ये निकल जाते हैं ना भागते हैं, ये पकड़ना इनको मुश्किल हो जाता है। ये देखें आप यहाँ से जो इसकी खुराक है वो इसके अंदर मौजूद है, ये खाएंगे। अभी ये थोड़ा सा डर रहे हैं। आए बहनी यहाँ, ये डर बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। इनको अभी यहाँ पे खिलाना बहुत मुश्किल है। ये देखें ये अब इसके अंदर डाला है, ये देखें भाग भाग के खा रहे हैं। लड़कों को यहाँ से भगा दिया क्योंकि वो डरा रहे थे यहाँ पे बच्चों को, तो अब ये यहाँ पे खा रहे हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग हमारा होगा वो पंजाबी में होगा। डंडी वाले तो ये जनाब अपने बच्चों को लेके हम आ गए हैं जी फील्ड में। यहाँ से ना इनको टिड्डियों के बच्चे पकड़ के इनको खिलाएंगे, इनका नाम भी नहीं आता हमें। और ये हमारा जो डॉग है तो वैसे माड़ा सा ही है, कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन जिसकी चीज़ भी हो उसको मान होता है यार कि मेरी चीज़ बहुत अच्छी है। यहाँ से तलाश कर रहे हैं इस जगह से कि टिड्डियाँ मिल जाएं, वो अपने तित्रों को खिलाएंगे। ये अभी ना कीड़े वगैरह ना इतने ज़्यादा नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ना ये डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तो जब ये डरना बंद कर जाएंगे, डरना तो तब इन्होंने बंद करना है जब इनको टाइम देना है, इनके पास बैठना है, इनको उठाना है, इनको खिलाना है हाथ में, फिर ये डरना बंद कर जाएंगे। इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएंगे। और इससे पहले जनाब हमने एक कबूतर की वीडियो भी लगाई थी कि कबूतर हैंड टेम कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम वगैरह थे और टाइम नहीं दे सके, वो बड़े हो गए बच्चे और वो बहुत शरारतें करने लगे कि वापस नहीं आते थे हाथ से उड़ के। ये देखें जी एक मिली है,
ये अब इनको खिलाने लगे हैं, ये देखें भाग भाग के खाएंगे इंशाल्लाह। और इनको जब ये टिड़ियाँ खिलाएंगे तो फिर ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे इनके साथ और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे ये खा के। ये देखें जी, ये हमने एक और टिड़ी गिरा ली है, जूते के साथ इसको मारा है, फ्लाइंग शॉट के लाइन के साथ। और ये अब अपने बच्चों को खिलाने लगे हैं, उठा के लिया यहाँ पे फेंक। ये देखें ये अभी खाएंगे, ये देखें वो भाग के आया, उसको पता लग गया कि मेरी खुराक आ गई है। ये थोड़ा सुनिया वीक है, ये देखें दूसरा बहुत होशियार है, भाग के उसकी खुराक भी छीन के खा जाता है। तो ये जब इसको खिलाएंगे ना रेगुलर तो फिर ये ठीक हो जाएगा। इसको बाहर लेके आएंगे, घुमाएं फिराएंगे, डेली बेस पे इनको खाना खिलाएंगे इनका, तो ये जी बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। और वैसे गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी की वजह से भी इनके ऊपर बहुत असर पड़ता है। ये देखें एक और हेलीकॉप्टर पकड़ लिया जी, फेंक इसके सामने। ये अब देखते हैं इसका तमाशा, देखें क्या तमाशा लगता है, बच्चा उठा के इसको भागेगा और दूसरे एक दूसरे को छीन छीन के खा रहे हैं, बाहर ना निकल जाए ये खतरा है कि गिरा लिया अभी इसको मुकम्मल तौर पर इनको मार दिया है जी। इसको खाएंगे खाएंगे ये खाएंगे। ये अब जी इसके 2-3 पीस किए हैं और इसके सामने फेंक के ये उठा के खाएगा। लगता है इनका पेट फुल हो गया, 2-3 खिलाई हैं और यही इसकी औकात है कि इसका पेट फुल हो गया। खा गया छोटा खा भी रड़ा जी ना खा ओ ओ ओ बैठ के ले के जाने वो भाग रहा के वो दूसरा मुझसे खींच लेगा, लेकिन इसे नहीं ये नहीं पता ना कि मटेरियल इधर भी मौजूद है। ये देखें ये इसको खा रहा है, अब ये देखें किस तरह लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ खाने के लिए। कोई और पकड़ ले। ये जी हमारा डॉग बैठा है और आपने कमेंट करके बताना है कि ये किस तरह का डॉग है। और जिसका ये डॉग है वो तो कहता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे कोई इतना ख़ास नहीं लगता कि यार ये मतलब सही है, हिफाजत हिफाजत करवाने के लिए बहुत अच्छा है और रात के लिए भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसका ना जो जैसे इसका नाम है वैरायटी है उस तरह के इसके पूरे पार्ट्स मतलब फिट नहीं आते। ये देखें जी, ये हमने एक और शिकार किया है, तो एक पेयर पकड़ा था, एक हमारे ने खिला दिया है अपने बच्चे को, और ये मैंने आपको दिखाने के लिए पकड़ा है कि ये देखें ये हमने पकड़ी है टिड्डी और अब खिलाने लगे हैं बच्चों को, तो देखते हैं जिनका क्या रिजल्ट है। खिलाई तो इनको काफ़ी हैं, अब इनकी और कैपेसिटी नहीं है कि ये और खाएं, लेकिन कोशिश करते हैं कि अगर पकड़ी है तो फिर इनको खिलाएं, इनका फ़ायदा ही है, इनका नुकसान तो नहीं।